पहले भी मेघालय में 2 सीट थी और अभी भी हमारी मतलब रिपीट होकर 2 ही सीट है। तो प्रचार के बाद भी सब कुछ बढ़ोतरी नहीं, वहाँ पर जो है पहले तो हम तो 0 थे, हमारे तो 2-3% ही वोट आता था। आज हम सत्ता में अगर हम भागीदार बने नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी त्रिपुरा में हमने रिपीट किया है, नागालैंड में 2/3 मेजोरिटी से हम आए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टेट हैं ज़्यादातर माइनॉरिटी मेजोरिटी एरिया ये स्टेट है, वहाँ पर अगर हमारी इतनी सीट आ रही है तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आपके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये बेहद भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट पार्टी है और भ्रष्टाचार के आप बिल्कुल विरोधी हैं, तो सर फिर 2 सीटों का भी अलायंस क्यों किया सर, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कुछ चीज़ों की ऐसी मजबूरी होती है, उनको साथ लेकर ही चलना पड़ता है। जो बॉर्डर के स्टेट है तो बॉर्डर के स्टेटों में जो है सबको साथ लेकर चलना ही हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। क्योंकि किसी भी बॉर्डर स्टेट का अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अभी आप जो है 2014 से पहले आप देखेंगे तो वही एरिया के आदमी वो सरकार के साथ ही रहना चाहते हैं। और भारत सरकार जो है उनका जितना पिछले 8 साल में नॉर्थ ईस्ट का काम किया है, हमने तो अलग मंत्रालय बनाया उनके डेवलपमेंट के लिए, जनता की भलाई के लिए और बॉर्डर की भलाई के लिए। अगर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा तो आप होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इरफान जी, हेमंत केशवर्जी जी ने अभी एक कानून बनाया था और खूब उसका वो रहा था, विपक्ष ने भी खूब विरोध किया था उसका, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित हुए मुस्लिम कम्युनिटी प्रताड़ित हुई, तो इस पे आपकी संस्था ने क्या काम किया? हमारी संस्था ने वहाँ उनको ज्ञापन भी दिया और एक बार हम यहाँ मिले भी उनसे, तो उनका बहुत क्लियर, वो मदरसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो बहुत उनका क्लियर जो है ये मैंडेट था। बाद में उन्होंने जो है अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि हमारा मकसद जो है, जो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रजत शर्मा जी के एक आपकी अदालत के एक प्रोग्राम में बोला था कि एक हाथ में हम चाहते हैं कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, तो वहाँ पर क्या था कि खाली जो है सिर्फ जो है वो दीनी तालीम की ही तरफ जो है आसाम में काम हो रहा था, लेकिन अभी उसको दुनियावी तालीम से जोड़कर जो एक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो उसकी तरफ जो है, क्योंकि आसाम में लगभग जो है 35% जो है वो माइनॉरिटी वोट है, तो उन मदरसाज में जो है वहाँ का उनका कंप्यूटरीकरण है या जो अपनी जो है जिससे जो है दुनिया भी चलानी है ना दीन के साथ साथ, तो वो भी वहाँ पर जो है हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं है। और ये काम तो हमारी संस्था का आपने देखा होगा ना, शिक्षा के बारे में हमारा पहला ही वो है, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो दीनी और दुनियावी, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, इस मॉडल पर जो है हमारी सरकारें भी चलें और हमारी संस्था तो उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन सर अभी तक जो है 8 सालों में मदरसों के अंदर जो दुनियावी तालीम है उस तालीम के ऊपर तो कोई विशेष कार्य नज़र नहीं आ रहा सर? नहीं, सब जगह आ रहा है, आपने अभी जाकर अभी मदरसों में देखो, अभी हमने सर्वे कराया तो उनका सर्वे कराने का क्या मकसद था, शिक्षा तो वहाँ पर जो है खाली दीनी तालीम न दी जाए, उसके साथ जो हमारे बच्चे हैं वो दुनियावी तालीम भी लें, उन पर मैथ भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, कंप्यूटर पर भी उन पर है। आज तो बहुत ही एकदम ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अभी यहीं से बैठे बैठे आप किसी भी जगह की कोई भी खोज खबर ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे स्टूडेंट जो है उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। तो ये पुरानी सरकारों का था कि इनको जो है बगैर पढ़ा इनको पढ़न नहीं देना, इनको ऐसी शिक्षा देनी है कि जो मुख्य धारा में ना जुड़ सकें, तो हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, और जब तक वो शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। शिक्षा के विषय में याद आया कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया जाता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रही है। सर मेरा सवाल बस कंप्लीट हो जाए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मनीष सिसोदिया को जो है, लेकिन वही ईडी इन्फॉर्मर्स जो है 6 करोड़ रुपए आप ही के भाजपा के नेता के यहाँ मिलने के बावजूद वो बाहर है, वो ये नहीं एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, जो आपने बताया वो कोई केस जो एजुकेशन का नहीं है, वो शराब नीति का है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी दिल्ली में शराब को गली गली और महल्ले महल्ले में दुकानों को खोला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी नॉर्म्स है कि वे कहीं भी कोई भी धार्मिक जगह है, कोई मस्जिद है, मदरसा है, मंदिर है, धर्मशाला है, या कोई भी हमारा पूजा स्थल है, वो एक दायरे के उसका एक उसमें क्लेरिफिकेशन था। उन्होंने तो स्कूलों की बराबर में दुकानें ऐसी लेकर रेवड़ी की तरीके से बांट दी, और उसमें सरकार को कुछ नहीं मिल रहा था, उसमें एक एक बोतल पर 560 रुपये उसका MRP था,
तो उसमें 360 रुपये आज की तारीख में नई पॉलिसी में तो वो बेचने वाले को मिल रहा था, जो पहले ये रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को मिलता था उसको उन्होंने जो है बिहाइंड द कर्टेन पैसे लेकर वो उनके हिसाब से ले ली, फिर उन्होंने वापस की ली। तो ये शिक्षा से जो जोड़ रहे हैं वो दिल्ली की जनता का और पूरे देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये उसमें घोटाले के लिए उनको पकड़ा गया है, ना कि कुछ शिक्षा के लिए पकड़ा गया है।